Chapter 11, Neighbors are Friends. Okay, once there lived a father, a mother and their daughter Lucky. तो एक समय पे एक father, mother और उनकी एक बेटी थी Lucky, वो रहा करती थी. Their neighbor was an old man. उनके neighbor में एक बहुत बूढ़ा सा आदमी रहता था. He had wild eyes and dirty hair. उसकी आंखें बहुत अजीब सी थी और उसके बाल जो है बहुत गंदे थे. Everyone was afraid of him. उसको देख करके हर कोई डर जाता था. Lucky's parents told her not to talk or play with him. Lucky के parents ने Lucky को मना किया था कि वो उस बूढ़े आदमी से बात ना करे और उसके साथ जा कर के ना खेले. Lucky knew that the old man was all alone. Lucky को पता था कि वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेले रहता है. He was so weak that he could not take proper care of himself. वो बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर था कि वो खुद से अपनी खुद की देखभाल भी नहीं कर पाता था. So every day after school, she bought fruit or some biscuits and gave them to him and then rushed home. तो हर दिन स्कूल से आने के बाद वो क्या करती थी, जब वो स्कूल से आती थी तो Lucky जो है फ्रूट और कुछ बिस्किट्स लेती थी और ले करके वो उस बूढ़े आदमी को दे आती थी. She also obeyed her parents and never played with him. और वो Lucky जो है वो अपनी पेरेंट्स की भी बात मानती थी. वो कभी भी उस बूढ़े आदमी से खेलती नहीं थी. वो सिर्फ क्या करती थी, कुछ बिस्किट्स लेती थी, कुछ फ्रूट्स लेती थी और ले करके उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए दे आती थी. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. वो उससे बात नहीं करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया था. तो वो जो Lucky थी वो बस इतना हेल्प करती थी कि वो बिस्किट और फ्रूट्स लेकर के जब वो स्कूल से आती थी तो स्कूल से आते टाइम कुछ बिस्किट्स और फ्रूट्स वो ले आती थी और ला करके उस बूढ़े आदमी को देती थी, लेकिन उससे बात नहीं करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको उससे बात करने से मना किया था. वन डे द ओल्ड मैन वॉज गोइंग आउट फॉर अ वॉक. एक दिन वो बूढ़ा आदमी जो है वॉक के लिए कहीं जा रहा था. ही स्मेल्ड कुकिंग गैस अराउंड Lucky's हाउस. उसे जो है Lucky के घर के आसपास कुकिंग गैस यानी कि जो गैस सिलेंडर होता है ना उसकी बदबू, उसकी महक उन्हें लगी. ही वेस्टेड नो टाइम. उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया. ही कॉल्ड द वॉचमैन टू ब्रेक डाउन द डोर. ही रश्ड इन. तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि गैस सिलेंडर की बदबू आ रही थी. तो वो जल्दी से वॉचमैन को बोलते हैं कि दरवाज़ा तोड़ दो और फिर दरवाज़ा तोड़ करके वो दोनों लोग जल्दी से घर के अंदर घुसते हैं. द हाउस वॉज फुल ऑफ गैस. पूरा घर बिल्कुल गैस से भरा हुआ था. Lucky वॉज ऑन द फ्लोर. Lucky जो थी वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी पड़ी थी. दो द ओल्ड मैन वॉज वीक ही कैरिड हर आउट इन हिज आर्म्स. वो बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था लेकिन किसी तरह उसने Lucky को गोद में उठाया. ही टुक हर टू अ डॉक्टर. और गोद में उठा करके वो बूढ़ा आदमी Lucky को लेकर के डॉक्टर के पास गया. देन ही ब्रॉट हर बैक होम. और डॉक्टर को दिखा करके वो बूढ़ा आदमी Lucky को वापस घर ले आता है. He sat with Lucky till her parents came back. और उसके बाद वो Lucky के पास ही बैठा रहा जब तक कि Lucky के पेरेंट्स वापस नहीं आ गए. Lucky would have died, but with the help of her elderly neighbor, she was alive. Lucky की डेथ हो जाती. लगता उस गैस सिलेंडर लीक हो जाने की वजह से Lucky मर भी सकती थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के हेल्प की वजह से वो Lucky बच जाती है. हर पेरेंट्स थैंक हिम विद टीयर्स इन देयर आइज. Lucky के पेरेंट्स जो है वो उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलते हैं और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे. वेरी स्लोली द ओल्ड मैन सेड दिस इज़ नथिंग. डू यू नो दैट नोबडी केयर्स फॉर मी बट Lucky बाइज फॉर मी समथिंग टू ईट एवरी डे. तो जब उसके पेरेंट्स उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या आपको पता है कि कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई भी मेरा ध्यान नहीं रखता. लेकिन ये जो छोटी सी लड़की है Lucky, ये हर रोज़ मेरे लिए फ्रूट या बिस्किट कुछ ना कुछ खरीद कर मेरे लिए ले आती है ताकि मैं खा सकूँ. Lucky's काइंडनेस टू हर नेबर सेव्ड हर लाइफ. तो Lucky उस बूढ़े आदमी की इतनी हेल्प की थी और इसी वजह से आज उसने Lucky की हेल्प की और उसकी जान बच सकी. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स. समवन और द अदर वे इट विल कम बैक टू अस. हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए. कहीं ना कहीं हम जैसा करेंगे हमको वैसा मिलेगा. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स एज मच एज पॉसिबल. हमें जितना हो सके हमें दूसरों की, जब भी अगर हमसे हो सके तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें. ओके,
सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स एंड ट्रीट अदर्स काइंडली. हमें दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके.